और फिर बच्चों को देनी हो दवा तो फिर आती है सर दवाई बच्चों के लिए सेफ है क्या तो इसलिए आज आपको हम बताएंगे फीवर को ट्रीट करने का तरीका बिना दवा के जी हाँ बिना दवा के फीवर ठीक करने का तरीका घर में ही बच्चों पे तो बहुत अच्छा कारगर है ही बड़ों पे भी काम कर सकता है बिल्कुल करेगा बहुत जोरदार तरीके से करेगा तो जरूर देखिए फीवर को मैनेज करना जरूरी देखिए ज्यादातर फीवर को आपको मैनेज करना होता है उसे खत्म नहीं करना होता फीवर आपका दोस्त है फ्रेंड है हमने ऑलरेडी आपको पहले वीडियोस में बताया व्हाई फीवर इज योर फ्रेंड फीवर इसलिए होता है कि आपकी बॉडी फीवर पैदा करती है क्योंकि फीवर की वजह से ज्यादातर वायरस बैक्टीरिया जो आपके शरीर में जाते हैं मर जाते हैं लेकिन बच्चों के केस में फीवर फीवर अगर बढ़ जाए 102 सौ दो तीन चार हो जाए तो कई बार बच्चों को दौरे पड़ जाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन उनकी बॉडी जो है इतना विथस्टैंड नहीं कर पाती है उतना नहीं सह पाती जितना एक एडल्ट कर सकता है इसलिए बच्चों के केस में फीवर को थोड़ा सा जल्दी मैनेज करना जरूरी हो जाता है और ऐसे में मेडिसिन का भी डोसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा कई बार डॉक्टर है नहीं अवेलेबल इस टाइप के कोरोना के पोजिशन में तो फिर आप क्या करोगे तब आप ये कर सकते हो फीवर कैन बी इम्पॉर्टेंट बट फीवर को मारना नहीं है फीवर को खत्म नहीं करना है फीवर को मैनेज करना है सो so, याद रखिए बच्चों के केस में जो हमने पहले भी आपको बताया है फीवर तब माना जाएगा अगर बच्चों का ओवरल टेम्परेचर मुंह से लिया हुआ टेम्परेचर नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव से ऊपर हो नाइन नाइन पॉइंट फाइव डिग्री फेनानाइट या थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस या तो बगल में टेम्परेचर नाइन्टी नाइन से ऊपर हो या थर्टी सेवन पॉइंट टू से ऊपर हो ठीक है और ऐसे कंडीशन में आपको बच्चे के इतने से फीवर पे ही हम इसको ट्रीटमेंट करना नहीं शुरू करेंगे याद रखिए हमें क्या करना होता है हमें फीवर को मॉनिटर कर अगर फीवर बढ़ता जा रहा है 100 क्रॉस हो रहा है हंड्रेड वन हो रहा है तब हमें फीवर के लिए आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं बेसिक ट्रीटमेंट आप पहले से शुरू करेंगे बेसिक ट्रीटमेंट में याद रखिए रेस्ट बच्चों को रेस्ट चाहिए एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए और बहुत सारा पानी चाहिए लिक्विड्स बच्चों को लिक्विड्स फ्लूड्स बहुत ज़रूरी चाहिए हायर टेम्परेचर अपने आप में डेंजरस नहीं होते अनलेस आपके बच्चे को क्रोनिक किसी और प्रकार की बीमारी हो सीजर डिजॉर्डर हो अगर आपके बच्चे को इस तरह के कन्वर्जन हो चुके हैं तब फिर उनका बुखार हमें मैनेज करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका रेगुलर खाना पीना बच्चे हो बड़े हो रेगुलर खाना पीना डाइट सबसे ज़रूरी है आपकी बॉडी को उस समय उस समय बॉडी में जा, जिन्हें बेसिकली लड़ाई हो रही है किसी बैक्टीरिया से किसी वायरस से किसी इन्फेक्शन से उस समय आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरी है अब बात करते हैं कि कैसे हम ठीक करें बच्चे का या बड़ों का फीवर बिना दवा से सबसे पहला स्टेप है कि आपका टेम्परेचर रूम जो है वो एक नॉर्मल से थोड़ा कूलर टेम्परेचर होना बहुत चिल्ड नहीं होना चाहिए कूलर टेम्परेचर होना चाहिए और लाइट उसमें डिम होनी चाहिए बहुत ब्राइट लाइट नहीं रखनी है और उसके अलावा बच्चे के जो कपड़े हैं वो आपने बहुत ज्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनाने हैं नंबर एक सिंपल कपड़े होने चाहिए एक दो लेयर्स उसके बाद उसको पानी आपने पिलाते रहना है एनकरेज करना है फ्लूइड्स लिक्विड्स पानी जूसेस कमर्शियल ओ आर एस जेलेटिन कुछ भी चलेगा जेलो पॉपसिकल्स आइस पॉप्सिकल्स कुछ भी चलेगा रूम आपका वॉर्म या स्टफी अगर ज्यादा है कोई दिक्कत है तो फैन लगा लीजिए थोड़ा सा वेंटिलेशन रखिए ताकि रूम का वेंटिलेशन होते रहे और अगर आपका बच्चा एक ही रूम में नहीं रह रहा है तो ध्यान रखें कि जो हाउस है उसका टेम्परेचर आप सही रखें फीवर एक अगर कोई ऐसी सिम्टम है मान लो कोई चिकन पॉक्स जैसा फ्लू जैसा कोई डेंजरस सिम्टम है तो बच्चों को दूसरे बच्चे या बूढ़े बुजुर्गों से दूर रखें अब अल्टीमेट सबसे बड़ा आपका हथियार है स्पॉन्जिंग जी हाँ कोल्ड स्पॉन्जिंग नहीं है याद रखिए ज़्यादातर केसेस में बच्चों को हम मेडिसिन जो देते हैं उससे ज़्यादा उससे बेहतर इफेक्टिव है ये और स्पॉन्जिंग ओरल पैरासिटामोल ब्रूफेन एक अच्छा है कन्वीनियंट हो जाता है दवा खिला दो बच्चे का बुखार लेकिन एक स्पॉन्जिंग जो है ये बहुत अच्छा अच्छा तरीका है समटाइम्स यू हैव टू कंबाइन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक नहीं काम कर रहे हैं सही से नहीं हो रहे बुखार उतर बुखार टूट ही नहीं रहा तब फिर आपको स्पॉन्जिंग इस्तेमाल करना ही पड़ेगा चाहे वो दवा के साथ हो या दवा के बगैर हो फीवर में बच्चा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है कई बार वॉमिटिंग कर देता है कपड़े भिगो देता है ऐसे में बच्चे के पूरे शरीर पे आपको स्पॉन्ज करना होगा उसके लिए आपको बच्चे को बाथरूम में लेके जाना है और उसको एक रेगुलर बाथ टब या रेगुलर बाथ उसके में रखना है बाथ टब में रखना है जो जिसमें आप सिर्फ थोड़ा सा एक से दो इंच टिपिड वाटर रखेंगे टिपिड वाटर का मतलब है बहुत सिंपल नाइन यानी 85 से 90 डिग्री फेरानाइट यानी 29 डिग्री 32 डिग्री यानी थोड़ा सा वार्म सा वाटर होना चाहिए बिल्कुल ठंडा नहीं बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से जरा सा ऊपर ऐसा जी हाँ जी हाँ वार्म वाटर होना चाहिए उसमें आप बच्चे को बैठाएं ताकि वो कंफर्टेबल हो वो 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 ठंडा नहीं लगना चाहिए उसको शिवरिंग नहीं आनी चाहिए बच्चा हो या बुजुर्ग हो कोई भी हो बड़ा हो उसको वार्म थोड़े से नॉर्मल वार्म से अरे हाथ से लगाएं तो थोड़ा सा स्लाइटली वार्म लगे ऐसे टेम्परेचर पे कोल्ड वाटर से नहीं करना उससे अनकंफर्टेबल भी होगा शिवरिंग भी हो सकती है और दिक्कत हो सकता है अनकंफर्टेबल शिवरिंग से और बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है सो so कोल्ड आप माथे पे लगाते हैं ठीक है लेकिन पूरी बॉडी पे कोल्ड स्पॉन्जिंग इज नॉट गुड देन आपने क्या करना है धीरे धीरे एक स्पॉन्ज लेके उसके छाती में राइट right? उसके वाटर में इट्स मोर कंफर्टेबल उसको लेटा दो उसको लिटा दो बढ़िया से बच्चे को बुज़ुर्ग को जिसको भी लिटाना है एक क्लीन वॉश क्लॉथ स्पॉन्ज ले लीजिए कपड़ा ले लीजिए उससे क्या करना है आपने पानी को लेना है जो कि जैसे मैंने कहा थोड़ा सा और ठंडा हो सकता है पानी उससे नॉर्मल टेम्परेचर 75 डिग्री या या फिर 23 डिग्री सेल्सियस वाला पानी लीजिए उसमें आपने उसके छाती में उसने आराम से लेयर बना देनी वो लेयर क्या होगी एब्जॉर्ब हो वो लेयर इवेपोरेट होगी क्योंकि बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है एवेपोरेट होगी बॉडी को हीट को रिलीव करेगी स्लोली 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 आपने स्पॉन्जिंग करनी है इसमें किसी भी प्रकार का एल्कोहल या बर्फ ये सब नहीं डालना है किसी प्रकार का अल्कोहल डालते हैं वो चमड़ी से या इन्हेलेशन से शरीर में जा सकता है सीरियस प्रॉब्लम्स कर सकता है साइड इफेक्ट कर सकता है रबिंग अल्कोहल नहीं डालना है इसमें किसी प्रकार का इसको आप करते जाइए करते जाइए छाती पे डालिए कभी कभी हाथ में रख सकते हैं इसमें कर सकते हैं स्पॉन्जिंग से स्लोली स्लोली एक्सेप्टेबल बॉडी टेम्परेचर जब तक नहीं आ जाता तब तक आपने स्पॉन्जिंग करनी है स्पॉन्जिंग विल बिल्ड ब्रिंग डाउन द फीवर बाय एटलीस्ट वन टू टू डिग्रीज विद इन थर्टी मिनट्स थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स के अंदर दो डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा एक सौ दो से सौ हो जाएगा ये ऐसे आराम से हो जाएगा राइट right. आप अगर बच्चा आराम से यानी रिजिस्ट कर रहा है दिक्कत कर रहा है तो आराम से रुक जाइए उसको लेट हिम सिट आराम से उसको पानी में खेलने दो कोई बात नहीं उसको खेलने के बाद में एक बार थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा उसके बाद में कोई कोई मतलब नहीं उसको अनकंफर्टेबल का उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर रब कर लीजिए बहुत सिंपल टेक्निक है बहुत आराम से हो जाएगा अगर फिर भी मान लीजिए फीवर अनकंफर्टेबल रह, रह रहा है तो फीवर के लिए फिर आप हॉस्पिटल जा सकते हैं ऐसी एक रेयर कंडीशन हो सकती है कि फिर भी दिक्कत हो रही है लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये पक्का काम कर जाएगा स्पॉन्जिंग ऐसे करनी है टिपिड स्पॉन्जिंग इसके बावजूद दिक्कत ज़्यादा हो तो पैरासिटामॉल आप बच्चे को दे सकते हैं वजन अनुसार बच्चों के डॉक्टर पीडियट्रिशन से बात करके या फिर ब्रूफिन या फिर मेफ्टल ये तीनों दवाई बच्चों में दी जाती है कई बार बुखार को तोड़ने के लिए डरने वाली कोई बात नहीं है याद रखिए बस ध्यान रखिए बच्चा खाते रहे सही मात्रा में पीना पानी बहुत सारा पिए यूरिन होता रहे ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका सेंस देखना है वो खुश है वो या उदास है खाना खा रहा है नहीं खा रहा है ब्राइट ज़्यादा सो तो नहीं रहा ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के इसमें आपको साइंस देखने हैं जिससे पता चलता है बच्चा बता तो नहीं पाता खांसी ज़्यादा हो रही है सांस में आवाज़ तो नहीं आ रही है ये सब पॉइंट बच्चे का भी आप ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हैं अव्वल कोरोना बच्चों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा ज़्यादातर बच्चों को जिनको हो भी रहा है उनको कोई भी सिम्टम नहीं हो रहा तो डरने की कोई बात नहीं है बच्चों के केस में हो भी जाता है तो यही मैनेजमेंट है खूब सारा पानी बच्चों को पिलाइए नारियल पानी पिलाइए बच्चों को जो भी वो खाना पीना चाहे जूसेस पिलाइए जो मर्जी वो चीना पाए वो चल जाएगा इतना आपने काम करना है आपका बच्चा आपका बड़े भी मैनेज हो जाएंगे दिस इज़ ऑल अबाउट इट इसके अलावा भी अगर लगता है तो याद रखिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है कोल्ड स्पॉन्जिंग आप माथे पे कर सकते हैं और एक्स्ट्रा लेयर क्लोजिंग हटा दीजिएगा दिस इज मोर देन इनफ और आप, आपके बॉडी के लिए आपके शरीर के लिए इतना काफ़ी है थोड़ा बहुत टेम्परेचर हाई रहना खतरनाक नहीं है आपके बॉडी के लिए याद रखिए फीवर इज अ फ्रेंड फीवर के साथ चलना है तो आपकी बॉडी वायरस बैक्टीरिया किसी को भी और अच्छे से मार पाएगी दिस इज़ ऑल अबाउट इट फीवर के साथ क्या हो रहा है उसको जरूर मॉनिटर करिए भूख नहीं लग रही है हेड है स्वेटिंग है चिल्स है नोजिया वॉमिटिंग रैश इन सब के बारे में फिर अपने डॉक्टर से बात करिए कि वो किस चीज़ के लक्षण है और उसका इलाज के लिए और एक्स्ट्रा क्या करना है दिस इज ऑल अबाउट इट आई होप दिस वीडियो हेल्प्स प्लीज शेयर एंड स्पेशली बच्चों के लिए जरूर शेयर करना थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी